स्टार के फौरन बाद एएफपी चले गए थे? मैं स्टार में मैं काफ़ी अरसे रहा। स्टार में होते हुए मैंने फिर आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। ठीक है। स्टार के अंदर हम एक पेज निकालते थे कैंपस टॉकिंग के हवाले से, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वगैरह के, उसमें तो उसकी काफ़ी जो है वो रीडरशिप थी। वो कोई मैं स्टार में रहा हूँ कोई 14-15 साल। अच्छा। हाँ, लेकिन उसी दौरान जब न्यूज निकल रहा था तो मुझे न्यूज से ऑफर हुई है, बाल जाफरी साहब हुआ करते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो हमें चापड़ा साहब थे, एडिटर थे उस वक्त न्यूज के, गाजी सलाउद्दीन पहले एडिटर थे। तो मुझे न्यूज से ऑफर हुई थी और जब न्यूज निकलने वाला था और मैंने ऑलमोस्ट स्टार से रिजाइन भी कर दिया था वो, और न्यूज के साथ मेरा एक वो हो गया था। लेकिन फिर हमीद हारून जो थे उनको जब पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तुम क्यों जा छोड़ के जा रहे हो ये। मैंने कहा कोई और वो नहीं है, लेकिन ये कि जाहिर है आगे तो बढ़ना होता है आपको, तो मैं कब तक स्टार के साथ अटैच रहूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर मैंने कहा सैलरी से ज़्यादा भी वो होता है कि आप एक जाहिर एक नेशनल मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, नेशनल न्यूज़पेपर में, और फिलहाल मुझे, मैंने कहा फिलहाल मुझे कोई डॉन में नहीं नज़र आ रहा इस तरह का कोई वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कोशिश करता हूँ कि डॉन में तुम्हारा हो जाए। लेकिन अहमद अली खान साहब थे डॉन में एडिटर्स उस वक्त, अहमद अली खान की एक उनकी बहुत ज़बरदस्त एडिटर थे, बहुत प्रिंसिपल लगते थे, लेकिन उनकी एक उन्होंने एक पोजीशन ली हुई थी कि जी मैं स्टार से किसी को नहीं दूंगा, वो इवनिंगर का इंप्रेशन। इवनिंगर इंप्रेशन आ रहा कि उसके बाद स्टार से बहुत से लोग रहे और अब भी जो स्टार के एडिटर हैं वो स्टार के जॉन्टी दास भी आपके साथ, जॉन्टी दास। हाँ, वो स्टार में, स्टार की टीम बड़ी अच्छी थी, स्टार की टीम में वो लोग थे जो बाद में सारे उसमें गए, उसमें स्पोर्ट्स में अली कबीर साहब हुआ करते थे, वो बड़ी साहब थे, रजिया बोंद्रे से थी, रजिया बोंद्रे पर, रजिया तो जाहिर है हमारी उस लिहाज से बहुत बड़ी टीचर रही है हमारी उसमें हेरल्ड में, उस वजह से। और फिर एक प्रिंसिपल पोजीशन पे उन्होंने हेरल्ड से रिजाइन किया उसमें, और सबसे बड़ी बात ये काला इन सब खवातीन ने, सबसे बड़ी बात ये कि उनको इन सॉलिडेरिटी पूरी हेरल्ड की टीम ने रिजाइन कर दिया था, उसके आगे मैगजीन निकाला अपने बलबूते पे और क्या राइज किया फिर न्यूज लाइन। हाँ, न्यूज लाइन वगैरह ने, तो वो एक, तो मैंने कहा इसलिए, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये कहा तो फिर इदरीस बख्तियार साहब जाहिर है वो भी स्टार में होते थे और मैंने उनसे बहुत सीखा है इदरीस साहब से, तो उन्होंने कहा कि थे वॉसी डॉन में होते थे, स्टार में नहीं थे, स्टार में नहीं थे। तो वो इदरीस साहब से फिर मैंने मशवरा किया तो इदरीस साहब ने कहा कि अगर ये डॉन, ये कह रहे हैं डॉन में, हालांकि उस वक्त बाद में फिर मैंने सोचा कि अगर मैं न्यूज़ में जाके डॉन में आता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये कैसा मौ दिया था डॉन में नहीं हो पाया मेरा और मैं न्यूज़ भी नहीं जा पाया क्योंकि। अच्छा, आपके ये पॉलिसी थी कि जो डॉन में सुबह खबर लगी है छोटी सी है कहीं पीछे बैक पेज पे एक कॉलम में छोटा सा वो, उसको हेडलाइन बनाए इवनिंग स्टार की, क्योंकि जंग में तो ये था, जंग में कोई ऐसी खबर नहीं, अच्छा स्टार की ज्यादातर हेडलाइन जो होती थी वो लोकल इश्यूज के ऊपर होती थी। अच्छा, लोकल केएमसी केडीए वाटरलू इस तरह के जो इश्यूज होते थे, सिविक इश्यूज होते थे, उसको ज्यादा हाईलाइट करते थे और उस पे बहुत सी, और एक बहुत बड़ी कैंपेन स्टार ने ये भी एक बड़ी मिसाल कायम की थी कि जब उस जमाने में, एक जमाने में समद दादा भाई वाला बहुत बड़ा बहुत इन्वेस्टर्स आया था, बहुत बड़ा स्कैंडल, तो वो उसने पूरे पाकिस्तान की जिस तरह वो स्कैंडल नहीं था, वो बाकायदा एक रियलिटी थी। हाँ। जैसे आज ये कहा जाता है ना कि शायद डॉन को छोड़ के बाकी सब लोग मलिक रियाज के खिलाफ नहीं बात कर सकते, ठीक है, उसके हवाले से कोई बैरियर टाउन के हवाले से कुछ, उस वक्त भी समद दादा भाई के हवाले से यही था और समद दादा भाई को बेशुमार इश्तहार सारी अखबार को इश्तहार देते थे, कई कई उसमें स्टार वाइज अखबार था जिसने समद दादा भाई के इश्तहार रिफ्यूज किए और उसके खिलाफ कैंपेन चलाई। डॉन की एक हमेशा साफ सुथरी पॉलिसी थी, आपके बड़े भाई तो एडिटर हैं कब से, जफर अब्बास जो हैं, तो वो स्टार ने फिर उसने और स्टार ने बाकायदा कैंपेन चलाई के, और इवन हमारे स्टार के बहुत से स्टाफर्स थे उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उनको भी हम ये कहते थे कि भाई हम ऐसे ही नहीं चला रहे हैं कैंपेन, ये फ्रॉड है, ये किसी दिन भाग जाएगा। तो ये एक अच्छी, और अच्छी बात यह कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई हमें ये प्रेशर नहीं था मार्केट की, बल्कि एक ऐसे भी हुआ था कि पूरा बैक फुल पेज
इश्तिहार स्टार में छपा, वो समद दादा भाई का नहीं था, किसी और उसका इन्वेस्टर कंपनी थी सब उसके बाद जो सबसे हाँ कोई एक था, बहरहाल इश्तिहार, तो वो इश्तिहार बैक पेज पे छप गया था और उसकी फ्रंट पेज पे और उसी अखबार की हमारे स्टार की जो लीड स्टोरी थी वो उस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। अच्छा, तो जब वो छपा तो वो एक आर्गुमेंट अभी प्रिंटिंग में नहीं गया था, जब चला गया था मुझे याद ही, लेकिन उसमें आर्गुमेंट ये हुआ मार्केट वालों ने आके शोर कर दिया। अच्छा, कि जी जो है इसके तो अगर आपने ये छापा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे इस इश्तिहार के। तो वो बात फिर हमीद हारून साहब के पास गई। अच्छा, हमीद हारून इदरीस बख्तियार साहब की स्टोरी थी, तो इदरीस बख्तियार साहब ने कहा कि भाई फैसला तो फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, लेकिन हमीद ने कहा कि इस स्टोरी के फैक्ट्स वो है, तो उन्होंने कहा फैक्ट्स मेरे पास पूरे हैं, वो है सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्योंकि बिल्कुल डेडलाइन मतलब पेज जाने वाला था, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता था कि आप पूरा वो इश्तिहार निकालें। इश्तिहार भी छपा, वो खबर भी छपी। ठीक है, और उससे जाहिर है उस उन्होंने फिर इसकी पेमेंट नहीं की उसकी उसकी, तो हमीद ने कहा कि कोई मसला नहीं है स्टोरी वो, लेकिन जो खबर से डैमेज हुआ उसको वो क्रॉस करता। तो इस तरह के एक मुझे याद है कि स्टार में स्टोरी थी, गवर्नर अब्बासी साहब ही थे जी, और हमारे किसी प्रोजेक्ट का वो इफ्तिताह करने वाले जाने वाले। अच्छा, अच्छा, किसी वाटर बोर्ड का या कोई ऐसी लंबी पाइपलाइन वगैरह पड़ने वाली थी। तो जिस दिन वो इफ्तिताह करने वाले थे उसी दिन सुबह हमारी लीड स्टोरी तस्वीरों के साथ थी कि ये प्रोजेक्ट अभी कम्प्लीट ही नहीं है, इसका इफ्तिताह गवर्नर साहब करने जा रहे हैं। तो वो फिर इफ्तिताही तकरीर, ये खबर निकाली फिर कहां से आपने? जाहिर इसके लिए कि आपको गवर्नमेंट उन्हीं जाके वो अगेन वो खबर इदरीस बख्तियार साहब की थी। अच्छा, क्योंकि वो केएमसी वगैरह में बहुत ज्यादा जी साहब के सोर्सेज बहुत अच्छे होते थे, लेकिन मैं तो स्टार की क्योंकि बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने तकरीर मुलतवी कर दी गवर्नर। अच्छा, और गवर्नर अच्छा, ने फिर नोटिस लिया इस चीज का, सारी चीजों का। उस जमाने में खबरों के नोटिस लिए जाते थे, उस जमाने में खबरों के नोटिस पे कार्रवाइयाँ होती थी, बिल्कुल वो सारी चीज़ें। फिर एक केस जो मैंने बहुत मुसलसल कवर किया वो जामसाखी केस था। अच्छा, उस वक्त जो कम्युनिस्ट लोग, आपने पहला पॉलिटिकल रिपोर्ट या खबर यही कवर की थी जामसाखी या उससे पहले भी पॉलिटिकल? नहीं, उससे पहले थी खबरें जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में, क्योंकि मैं जब स्टार में काम कर रहा था तो उसी दौरान मैं अपना फाइनल सेमेस्टर भी कर रहा था। अच्छा, मास्टर्स तो नॉर्मली मुझे उन्होंने एजुकेशन वगैरह के हवाले से अच्छा खबरें होती हुई थी कि खबरें और देते यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स थी यूनिवर्सिटी वगैरह की उसमें, और वो जो हमने पेज निकाला था वो निकाला बीसी पर्पस के लिए था। लेकिन पॉलिटिकल स्टोरी वो थी कि अगर कोई अच्छी पॉलिटिकल स्टोरी, तो मैंने कई स्टोरी ऐसी थी, मतलब शायद जब बेनजीर भुट्टो साहिबा जब फर्स्ट टाइम उसमें जाम साहब की केस में अपेयर हुई थी, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोफाइल केस बन गया था, तो स्टार में सिर्फ स्टार में उस केस को रेगुलरली रिपोर्ट किया जाता था। तो फिर उसमें तकरीबन पाकिस्तान के सारे सियासतदानों ने उस केस, मिलिट्री कोर्ट में चल रहा था जिसमें पहली मरतबा बेनजीर भुट्टो जो है वो अपेयर हुई थी, उसके अलावा उससे पहले वो डिटेन थी वो थी, तो वो पहली वो थी, तो उस लिहाज से वो पहला जो अगर जो है हाई प्रोफाइल अगर केस के हैं उसमें, तो वो था। फिर कई स्टोरीज ऐसी थी जो पीपल्स पार्टी के हवाले से, जैसे गालबा जब जतोई साहब को चेंज किया जा रहा था, या जतोई साहब नई पार्टी थे, नई पार्टी बना रहे थे जतोई साहब, तो उस वो खबर मैंने वो की थी, ब्रेक की थी। फिर ये कि एक मुझे याद है कि गालबा खलीफुज्जमा को बीबी ने हटाया था एज ए पीपल्स पार्टी, तो वो जिस दिन वो फैसले का ऐलान करनी थी उसी दिन स्टोरी लगी हुई थी। अच्छा, तो वो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो वो लीक हो गई। हाँ, तो वो मुझसे ये पूछा कि मैं क्या करूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुमने तो स्टोरी ब्रेक कर दी है। तो इस तरह के कई फिर इवेंट्स हम वो करते रहे, लेकिन स्टार का जो वीकेंड एडिशन होता था वो बहुत अच्छा होता था, बहुत फीचर्स स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा पेज होता था, कलर्ड पेजेस होते थे। लेकिन स्टार में रहते हुए फिर मैंने हेरल्ड के लिए आर्टिकल लिखते शुरू। अच्छा, तो एएफपी कब ज्वाइन किया? क्योंकि एएफपी बाइलाइन जो आती थी, एएफपी मैंने ज्वाइन की थी 2001 में।
2001 में। ओके और मैंने रिप्लेस किया था ओवैस को।